हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डेंटिस्ट्री। तो जो हमारा थर्ड सब टॉपिक है, इन्फेक्टेड और अफेक्टेड डेंटिन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आपको पता है हम लोग डेंटल केरीज पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर। उसका जो थर्ड सब टॉपिक है वो है इन्फेक्टेड और अफेक्टेड डेंटिन के बीच में, सॉरी सेकेंड सब टॉपिक जो है वो है डिफरेंस। ठीक है, नाम से समझिए इन्फेक्टेड। ठीक, द डेंटिन विच इज इन्फेक्टेड। ठीक, अफेक्टेड जो अफेक्ट कर रहा है किसको, पल्प को। ठीक है, आपको ऐसे सब याद रखना है, जैसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, जैसे ये हमारा इनेमल पोर्शन है, ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं लाइन, दिस इज योर डेंटिन। ठीक है, सपोज जैसे सपोज दिस इज योर डेंटल केरीज। ठीक है, केरीज हुआ, पहले इनेमल पोर्शन पे होगा, धीरे धीरे इन्वेड करता हुआ वो डेंटीन पे आया। ठीक है, डेंटीन पे आया। ठीक, दिस इज योर, जो इसने डेंटीन को इन्फेक्ट किया, दिस इज योर इन्फेक्टेड डेंटीन। ओके, पहले हम इन्फेक्टेड डेंटीन देखेंगे, फिर हम अफेक्टेड डेंटीन देखेंगे। ठीक है, सो इट इज ओनली लाइंग सुपरफिशियली। ठीक है, ये डेंटीन के डीपर लेयर में नहीं जा रहा है, सिर्फ जो आउटर कवरिंग है डेंटीन की, ये वहां पे है, ये दिस इज। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज लाइज ऑन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेंटीन। ठीक, इट लैक्स सेंसेशन। अब सेंसेशन क्यों लैक कर रहा है, क्योंकि ये पल्प तक तो पहुंच ही नहीं रहा, और सेंसेशन कहाँ से होती है, पल्प से होती है। तो ये इट लैक्स सेंसेशन, सेंसेशन तो होगा ही नहीं। क्या, किस कलर का होता है, इट इज लाइट ब्राउन इन कलर। इन्फेक्टेड डेंटीन इज लाइट ब्राउन इन कलर, कैन बी स्टेन, आप इसे स्टेन करके भी देख सकते हैं। इट शुड बी रिमूव्ड, ये हटाया जा सकता है। ठीक है, वेन एवर यू आर रिमूविंग द केरीज यू कैन रिमूव दिस, बिकॉज इट इज लाइक सुपरफिशियली, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एंड लेदरी होता है कंसिस्टेंसी में। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट और लेदरी होती है। नाउ कम टू द अफेक्टेड डेंटीन। सपोज केरीज हुआ, ठीक है, केरीज हुआ, इट इन्वेड डेंटीन फर्स्ट। ठीक, सुपरफिशियली पहले तो ये डेंटीन को इन्वेड करेगा, देन इट लाइज इन टू द डीपर लेयर ऑफ डेंटीन। डेंटीन हैज ऑल्सो लेयर्स, सो इट इज नॉट इन्वेडिंग पल्प। सी, पल्प को इन्वेड नहीं कर रहा है, बट इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स पल्प। ओके, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स, इट इज नॉट इन साइड द पल्प, बट इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स पल्प। सो इट इज इन टू द डीपर लेयर, इट इज सेंसिटिव। वाई इट इज सेंसिटिव, बिकॉज इट इज अप्रोचिंग टू द पल्प, है ना, पल्प के पास है। तो यू नो देयर आर फाइबर्स ऑल्सो, सो यहाँ पे सेंसेशन होगा। ठीक है, इट इज सेंसिटिव। ठीक, डार्क ब्राउन होता है कलर में, बिकॉज इट इज नेक्रोज्ड, कैन नॉट बी स्टेन, इसे स्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नेक्रोज्ड हो चुका है, शुड बी रिटेन। हो सकता हो ये रह जाए, क्योंकि जब भी आप इसको हटाएंगे तो आपको बहुत ध्यान से हटाना पड़ेगा, और कुछ पोर्शन इसका छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ेंगे देन यू विल कॉज इंजरी टू द पल्प, है ना, आपकी पल्प को इंजरी हो सकती है, इसलिए इट शुड बी रिटेन, इसको हमें छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये पल्प के पास होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है। ठीक है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है अफेक्टेड डेंटिन की, दिस इज वेरी हार्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फेक्टेड वर्सेज अफेक्टेड डेंटीन। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।